हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं बनाने वाली हूं प्याज और चीज़ के पराठे। ये बहुत टेस्टी होते हैं। एक बार आप ये पराठे खाएंगे तो और तरह के सारे पराठे भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दो प्याज लिए हैं, इन्हें हम छील लेंगे। दो प्याज से हमारे 5 से 6 पराठे आराम से बन जाते हैं। इस तरह से मैंने दोनों प्याज को छील लिया है। अब इसे मैं रफली चॉप्ड कर दूंगी। अब इसे हमें चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक काट लेना है, या आप चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। एक हरी मिर्च डाली है मैंने। मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इन्हें फाइनली चॉप कर लेना है हमें। तो इस तरह से चॉपर में ये बहुत इजीली हो जाते हैं, नहीं तो आप चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन इनको बारीक काटना है हमें बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला, और ये इटालियन मिक्स हर्ब्स हैं वो डालेंगे, या ऑरेगानो या पिज़्ज़ा सीजनिंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम चीज़ आधा कप के करीब, और आधा कप डालेंगे इसमें पोहा। जो पोहा है वो एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और पराठे फटेंगे नहीं और टेस्टी भी बनेंगे। आपको लगे ज़्यादा गीला हो रहा है तो पोहा आप थोड़ा और मिला सकते हैं। अब हम हरा धनिया को काटेंगे, सिर्फ उसकी रूट को अलग कर लेंगे, बाकी स्टेम और इसकी लीव्स को हमें बारीक काट लेना है। इसके जो स्टेम होता है उस पर बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, तो उसे फेंके ना। तो इन सबको हम काट के फिलिंग के साथ मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब हमें इसके लिए आटा गूंदना है। तो ये मैंने 1.5 कप आटा लिया है, इसमें 6 पराठे आराम से बन जाएंगे। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी। अजवाइन और कसूरी मेथी को हल्का सा हथेलियों में क्रश कर लें ताकि उनका फ्लेवर और बढ़ जाए। आधा छोटा चम्मच के करीब तेल। अब क्योंकि ठंडा है इसलिए हल्के गुनगुने पानी से मैंने इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया है। बहुत ज़्यादा डो हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, नहीं तो पराठे फटते हैं। तो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। आपका आटा जितना ज़्यादा रस्ट करेगा आपके पराठे उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसके 6 पराठे बनाए हैं, तो 6 गोलियों में मैं इसको डिवाइड करूँगी। बाकियों को अलग रख देंगे और एक में काम शुरू करेंगे। अब बाकियों को हम ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। तो अब ज़रूरत पड़े तो हल्का सा इसमें आटा डस्ट कर सकते हैं। मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने इसको ऐसे ही बेल लिया है, क्योंकि परफेक्ट गूंथा है एकदम। अब इसमें फिलिंग भरेंगे और इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको हल्का सा नीचे दबा के हम फिलिंग को अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अब हल्का सा आटा डस्ट करके हमें इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो फिलिंग बाहर आ जाएगी। अगर आपके प्याज बारीक हैं तो बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इस तरह से मैं सारे पराठे बेल के एक साथ रख दूंगी और एक साथ इनको सेकूंगी फिर बाद में। ये मैंने सारे पराठे बेल लिए हैं, अब इन्हें हमें सेकना है। अगर आपको लगे चिपक रहे हैं तो बीच में आप तेल लगा सकते हैं या सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं। तो अब एक पैन गरम करेंगे और उसमें हमें इन्हें सेकना है। एक तरफ से पक जाए उसके बाद ही तेल डालें, उससे ये और ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे हमें इन्हें सेकना है। इस तरह से किसी स्टैंड में निकाल दें ताकि नीचे से गीले ना हो ये, और बाकी के भी इसी तरह से सेक लें। तो ये हमारे प्याज के पराठे गरम गरम रेडी हैं। इसे दही या मक्खन के साथ सर्व करें। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये एक बार आप बना के देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।